मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। जरा आप अपना नाम बताइए, क्या है और क्या करते हैं? मेरा नाम संजय यादव है और मैं अपनी फिल्म बनाया हूँ मैं भोजपुरी में, बनारसी पहलवान। तो अभी रिलीजिंग का समय हो गया है, हमने बनाया, एक साल पहले शूटिंग किया सिद्धार्थ नगर में, तो जून में हम रिलीज कर रहे हैं फिल्म अपनी बनारसी पहलवान। जून तो अभी चल रहा, कितने जून को फिल्म रिलीज की जाएगी? आपको समय तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब भी मेरा ट्रेलर आएगा तो उसमें आपको फिक्स डेट मिल जाएंगे ट्रेलर में कब रिलीजिंग हो रही है मेरी फिल्म। अच्छा, फिल्म में और कौन कौन है आपके साथ में? फिल्म में देखा जाए तो हमारे साथ में भोजपुरी के हॉट एक्टर्स निशा दुबे जी हैं और सनी सिंह जी हैं, और विलेन में बात किया जाए तो गिरीश शर्मा मेन विलेन का रोल कर रहे हैं, बालेश्वर सिंह जी हैं, अयाज खान हैं, तो भोजपुरी के हैं लोग तमाम सारे। किस तरह की मूवी का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये एक रेसलिंग मूवी है, पहलवानों के ऊपर फिल्म बनी है, तो रेसलिंग में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, कुश्ती, दंगल, वो चीज़ें हमने दिखाया है बनारसी पहलवान में। फिल्म कहाँ शूट की गई है, गाने कितने हैं? फिल्म में टोटल 8 गाने हैं और शूटिंग लोकेशन देखा जाए तो आपका सिद्धार्थ नगर जिला, हमारा मूल निवासी जहाँ के हम हैं सिद्धार्थ नगर जिले के, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर शूटिंग की गई है। कितने दिन की शूट हुई है और डायरेक्टर का नाम बताएंगे? हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं रतन राहा जी, इन्होंने लोकेशन डिसाइड किया था सिद्धार्थ नगर, तो हम लोग टोटल 16-17 दिन की शूटिंग की है सिद्धार्थ नगर में। डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं रतन राहा जी, जो कई सारे हिंदी फिल्में किए हैं और भोजपुरी में भी हमारे साथ अच्छे से काम किए हैं। क्या फिल्म, आपकी फिल्म लोग क्यों देखें? हमारी फिल्म इसलिए लोग देखें कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं रेसलिंग, पहलवानी, कुश्ती, और जो बनारस के नाम पे जो हमारी फिल्म बनी है, तो बनारस के जो मूल निवासी हैं वो लोग देखना चाहेंगे, और हमारे जो फैंस हैं बनारसी पहलवान के चाहने वाले, और जो भी एक्टर्स हैं निशा दुबे के चाहने वाले, वो फिल्म में आ रही हैं निशा दुबे, हार्ट एक्टर्स हैं, सनी सिंह हैं, तो उनको देखने वाले जो हैं उनके फ़ैन, तो जाहिर सी बात है बनारसी पहलवान देखें। निशा दुबे का क्या किरदार है, किसके साथ है वो? निशा दुबे हमारे लीड एक्टर संजय मलिक जी हैं, उनके किरदार में है, एक देसी गांव की लड़की हैं और फिल्म में किरदार देसी लड़की का किरदार निभाई हैं। और दूसरा हीरोइन, दूसरा हीरो? दूसरा हीरो एक सुनील छटुआ करके हैं और वो भी नए हैं, तो वो एक कॉलेज बॉय का रोल किए हैं उसमें, उसके अपोजिट में आप सनी सिंह मिलेंगी, सनी सिंह ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं उसमें हमारी फिल्म। सनी जी ने कैसा काम किया है, कैसा व्यवहार रहा है शूटिंग करने में बताएंगे? सनी जी अच्छी लड़की हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छी हीरोइनें हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा उनको, आगे सक्सेस करें, आगे फिल्में बनाएं और अच्छी अच्छी हमारे साथ भी अच्छी फिल्में अच्छी साइज की हैं सब कुछ। निशा दुबे सिंगर है, क्या इस फिल्म में वो गाना गाई हैं? हाँ, निशा दुबे जी एक गाना गाई हैं जो अभी वायरल भी हो रहा है, तो काफ़ी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अश्लील है, ऐसा है वैसा है, तो मैं तो दर्शकों को बोलूँगा गाना बहुत अच्छा है, आप वीडियोग्राफी के ऊपर मत जाइए कि अश्लील है ऐसा है वैसा कुछ ये सब। आपकी जो अश्लीलता के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो लाइन क्या है गाने के, बताएंगे? लाइन है तकिया पकड़ के रोवे जवानी, तो एक कहानी के ऊपर वो डिसाइड किया गया है, फिल्म के सस्पेंस जो स्टोरी आया है उसके ऊपर वो गाना फिल्माया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया उसमें कि कुछ गलत हो, अश्लील हो, क्योंकि स्टोरी भी उस तरह से थी कि वो गाना चाहिए था उसमें। किस चैनल से रिलीज किया गया है? अपनी फिल्म और गाने सब ASC डिजिटल, जो एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी है और जिसके फाउंडर हमारे हैदर काजमी जी हैं, तो हम उस पर रिलीज कर रहे हैं अपनी फिल्म, और हमें हमारी कंपनी की तरफ से ऑफर भी कई आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी भी। फिल्म का प्लस पॉइंट क्या होगा सबसे बड़ा? फिल्म का प्लस पॉइंट ये होगा कि हम बनारस के नाम पर फिल्में बनाए हैं, और दूसरी बात है प्लस पॉइंट रेसलिंग फिल्म है, जैसे आप दंगल सुल्तान देखें, तो उस तरह की अगर लोग भोजपुरी में फिल्में देखना चाहते हैं तो हमारा अनुरोध है ऐसे दर्शकों से कि हमारी फिल्म बनारसी पहलवान देखें। फिल्म का नाम है बनारसी पहलवान, तो शूटिंग आपने सिद्धार्थ नगर में क्यों किया? देखिए, बनारसी पहलवान के जो पहलवान है उनकी मैंने स्टोरी ली है, जो बनारस में पहलवान के ऊपर घटना घटी थी, मैंने वो स्टोरी लेके और फिल्माया सिद्धार्थ नगर लोकेशन पर, तो वो चीज़ें रखी हमने। क्या
उसका कुछ जीवनी है किसी पहलवान के, उसका नाम बताएंगे? एक जीवनी, एक ऐसा गरीब पहलवान था जो हमारे राइटर ने लिखा है, तो उसके साथ थे कुछ बड़े लोग, बड़े नेता लोग मिलके उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए। वो बहुत सारी कुश्तियाँ जीतता था, बहुत सारे अखाड़ों में लड़के आता था, उसका नाम था, लेकिन वो एक चीज़ क्या थी, वो गरीब था तो उसको लोग सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते थे। तो वो गरीब आदमी आगे कैसे बढ़े और कैसे बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी देता है अखाड़े में, तो लोगों को रहा नहीं गया जो वहाँ के बड़े लीडर्स और बड़े लोग थे, तो वो देख के उसको ये फिल्म में मैंने फिल्माया है। तो उसको स्टोरी आप जब फिल्म देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा क्या है। फिल्म का जो हीरो है संजय मलिक और दूसरा हीरो, दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों एक भाई का रोल कर रहे हैं फिल्म में। एक भाई कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा है जो घर पे अपना काम धाम करता है। तो उसकी माँ जो है वो उसको बीती हुई हिस्ट्री बताती है पहलवान के बारे में, तो वो आगे चल के बदला लेता है, बदले की भावना की थोड़ा सा कहानी। ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, आप कहते हो ये पहली फिल्म है। इससे पहले मैंने और बहुत सारे एल्बम, सुपर हिट एल्बम दिए। मैंने 2016 में एक बहुत सेक्सी और बहुत हार्ट गाना दिया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर केस भी हुआ था, और यूट्यूब में पहली बार 35 मिलियन व्यू क्रॉस किया था, जो कि YouTube ने अभी ब्लॉक कर दिया है। तो यही सारे बहुत सारे मैंने एल्बम में ऐसे गाने शॉर्ट फिल्म किए हैं। भोजपुरी फिल्में देखते हैं? भोजपुरी फिल्में देखता हूँ बहुत कम, बट मैं हॉलीवुड फिल्में ज़्यादा देखता हूँ। भोजपुरी में किस हीरो की ज़्यादा फिल्में आपने देखा है? भोजपुरी में मैंने निरहुआ जी का फिल्म बॉर्डर देखा था, और मैंने एक खेसारी लाल का फिल्म देखा था बहुत पहले। अच्छा, खेसारी लाल कल फिल्म रिलीज हुई कूली नंबर वन, क्या आप देखने जाएंगे? व्यस्तता के चले मैं तो कोशिश करूँगा, जाऊँगा देखने की, लेकिन अपने फैंस जो हैं उनको सब बोलूँगा कि अच्छी फिल्म बनाए हैं और जाएँ देखें सब लोग। कूली नंबर वन के बारे में कुछ कहेंगे खेसारी लाल को? कूली नंबर वन मैंने जहाँ तक सुना है कि वो एक पारिवारिक मूवी और एक अच्छी मूवी बनाए हैं वो, तो मैं सोचा बोलूँगा अपने दर्शक जो भी हैं अच्छे से देखें उनकी फिल्म को, सुपर डुपर हिट करें। खेसारी लाल यादव को भी आप मिला? नहीं, मैं तो खेसारी लाल से कभी कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिले। क्या उनके साथ फिल्में बनाना चाहते हैं आप? देखेंगे भविष्य में, मैं अगर कुछ करूंगा अच्छा तो उनको अपने साथ लेके करूंगा, फिल्में बनाऊंगा उनके साथ। और उनके गाने अच्छे लगते हैं, कॉमेडी या फिर एक्शन? मुझे सबसे अच्छे उनके गाने लगते हैं, उनके गाने के जो बोल हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे उनका भी एक गाना मैं बहुत सुनता हूँ, ये तकिया, ये सॉरी देवर करे घात ए राजा, मैं अभी जल्दी वायरल हुआ है तो मैं वो गाने बहुत सुनता हूँ उनका। अच्छा, हाँ, तो अभी उनके दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे खेसारी लाल के? मैं तो यही कहना चाहूँगा खेसारी लाल की जो ईद की बधाई देना चाहूँगा सभी दर्शकों को, सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ईद में उनकी फिल्म आ रही है तो सभी लोग जाए देखें और उनको प्यार आशीर्वाद दें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। पूरा नाम क्या लिखते हो? सीनू बाबा। सीनू बाबा, सीनू बाबा के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, ठीक है? सब सीनू बाबा के सभी चाहने वालों को, सभी भाइयों को जो हमको प्यार करते हैं, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, जो संजय भैया को प्यार करते हैं, सबको मेरा प्रेम भरा स्नेह भरा तह दिल से सबको नमस्कार है, प्रणाम है मेरे भाइयों। क्या कौन सी फिल्म आपकी रिलीज होने वाली है? मेरी सर अभी फिलहाल दो फिल्म रिलीज होने वाली है, एक बनारसी पहलवान और एक बब्बर। दो बनारसी पहलवान क्या कहें, क्या कैरेक्टर है आपका उसमें? बनारसी पहलवान में मेरा खास कुछ नहीं है, और ये मेरे गांव में हुआ है शूटिंग, ये मेरे क्षेत्र में हुआ है, उसमें बस ऐसे ही कॉमेडी का थोड़ा बहुत पंच है मेरा, 5-10 मिनट का। कुछ कॉमेडी करके बताएंगे? हाँ, उसमें कुछ कॉमेडी है एकदम खास। जो हमारे हीरो रहते हैं वो अपना जिम बॉडी वॉडी बनाते हैं, और मैं एक पानी का बॉटल लाता है, मैं पानी का बॉटल लेता हूँ, और मैं भी पतला दुबला रहता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग की बॉडी वॉडी बनाता हूँ, वो आए में लग जाता है कि बॉडी हमारा भी बन जाए अच्छा सा, और हम वो सिक्स पैक निकाल लें 16 साल में। किस तरह का रोल करना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, कॉमेडी में ही या कुछ और रोमांटिक करते हैं? नो सर, मुझे ना तो कॉमेडी करना अच्छा लगता है, ना कुछ करना अच्छा लगता है, ऐसा बस ऐसे ही कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहें, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हीरो हैं, खेसारी लाल जी, पवन जी, दिनेश जी या बाकी कोई भी हो, सब आराम से चैन से रहें, मैं भी चैन से रहूं, दो रोटी का वक्त हो जाए और सबका प्यार आभार मिले, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मतलब एक्टिंग करना नहीं है आपको? नहीं, एक्टिंग नहीं करना, मैं एक्चुअली प्रोड्यूसर बनना चाहता हूं और पैसा लगाना है बस। तो और कौन सी फिल्म आपकी आ रही है प्रोड्यूसर?
जिसमें मेरी आ रही है अभी विजय जी, एक हमारे हैं सिद्धार्थ नगर से संजय भैया हैं, इनके साथ तो बनारसी पहलवान आ रही है, और विजय जी के साथ में हमारी बब्बर पिक्चर आ रही है, और पवन जी के साथ में हमारा राजा फिल्म आ रहा है। बब्बर में क्या किरदार आपका? बब्बर में एक्चुअली मैं पूरा प्रोडक्शन वोडक्शन देखता था, और उसमें मैं गया तो वहाँ पे दो चार दिन था, जिसमें छोटा मोटा उसमें भी कॉमेडी का ही था विजय जी के साथ में, और ऐसे मेरे दो चार फिल्म ऑटोमेटिक आ भी चुके हैं, ससुराल आ चुका है चिंटू जी के साथ में, और इनके दो तीन मूवी और मेरे आ चुके हैं खेसारी जी के साथ, हम राजा हिंदुस्तानी के बनारस में, जो इसके प्रोड्यूसर राहुल खान जी हैं, ऐसे कई फिल्मों ने आप लोग के आशीर्वाद से किए हैं। हम तो ज़्यादातर आप फिल्में बनाना चाहते हैं, एक्टिंग करना नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से 100 लोग काम खाएँ, 100 लोग की पेट भरे, बस मैं इसमें ही संतुष्ट हूँ। मैं लोगों को काम दो, लोग मेरे अंडर में रहें, उनके आशीर्वाद मिले, वो लोग का स्नेह मिले, इतना मेरे लिए। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ खेसारी जी को लेकर करूँगा, और खेसारी जी को लेकर करूँगा, और आप भी मेरे साथ, आप ही अगर मेरा सपोर्ट देंगे तो मैं उनके साथ कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। और इसके बाद अभी हम लोग जलजला की शूटिंग पे जा रहे हैं विजय जी के साथ, जो हमारे गांव से ही हैं, हमारे भैया हैं, बड़े भाई हैं, और काफ़ी अच्छी भी उनकी बब्बर मूवी है, और बनारसी पहलवान भी अच्छी है। ऐसे बस दोस्तों के साथ में रहना अच्छा लगता है, बस इतना ही है। ओके, थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।